जल्दी करो इकरा, शहरी का वक्त निकल जाएगा। शहरी तो हो जाएगी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तार पर क्या करेंगे हम लोग। मैं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, घर में सिर्फ 2 दिन का राशन बचा हुआ है। एक तो आप हर बात पे टेंशन लेती हैं। मुझे चेक मिल गया है, मैंने जमा भी करा दिया, कल तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है। शुरू करें। अच्छा जी, ये तो बताओ कि तुमने इकरा के बारे में क्या सोचा है। अम्मी, सहरी करना। हाँ, मैं तो कोई बात भी ना करूँ ना, हर वक्त मुंह बंद करके रखूँ। क्या हो गया अम्मी? मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बेफिक्र हो जाएं, कर लेंगे बंदोबस्त। लेकिन कब तक होगा? मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मुझे बताओ तो सही। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी सर पे खड़ी। अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी तभी तो होगी ना शादी, और वैसे भी अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। बेटी तो जब पैदा होती है ना, उस वक्त से माँ बाप उसके लिए जमा करना शुरू कर देते हैं। और रिश्तों का क्या है, देखना बहुत जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अरे हसन बेटा, बात तो सुनो बेटा, इफ्तारी के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कुछ लेते आना वापसी में। जी अम्मी। और तुम क्यों मुंह बना के बैठी हो, बुरी तो मैं ही हूं ना हर जगह। चलो शुरू करो, शहरी का वक्त जा रहा है। जी, आप भी शुरू करो। क्या हुआ जानी, टेंस लग रहे हो? हाँ यार, रमजान का महीना शुरू हो गया और अम्मा ने लिस्ट पकड़ा दी है। कौन सी लिस्ट? तुझे हर वक्त मजाक क्यों सोचता रहते हैं? मजाक नहीं कर रहा है यार, I'm serious। अभी तुझे पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ? मैंने सोचा कि चीनी थोड़ी ज्यादा घर ले जाऊं, फिर पता मेरी बीवी ने क्या किया, चाय में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालना शुरू कर दिए। और साथ मुझसे कहती है दूध थोड़ा ज्यादा ले आइएगा, मैं मीठा बनाऊंगी। तो तेरी राम कहानियां सुन के मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। कर ले बेटा, है जितने करने कर ले, शादी हो जाएगी ना सब भूल जाएगा। कुछ नहीं होगा, एडजस्ट कर लूंगा। तो तू कर ले, पर सोच माँ का क्या होगा, माँ एडजस्ट कर पाएगी? बोलो बोलो। अच्छा बस बस, 50वीं सदी का थर्ड क्लास एक्टर। एक तो अच्छे टैलेंट की कदर ही नहीं है समझना। क्या हुआ यार? वो अफ्तारी के लिए कुछ समोसे पकौड़े लेने। बेकरी से? नहीं, नाई की दुकान से। और क्या यार, जाहिर सी बात है बेकरी से लेने। अबे घन चक्कर, हर वक्त पैसे पैसे रोता रहता है यार। सामने देख, मुफ्त की अफ्तारी। अबे नहीं यार, मेरे इतने बुरे हालात नहीं है। अबे हालात कौन देखता है यार, सबको तो दे रहे हो, तू भी ले ले। मैं तो यही करता हूँ, पैसे बचा मेरे भाई, पैसे बचा, बचत का दौर है। और वैसे भी आप आदत डाल ले, हमारा अब यही नसीब है। अरे चल ना।
रमजान होने में कितना वक्त बाकी है अभी? नहीं अभी तो टाइम है। नाजिश से बात हुई थी तुम्हारी? नाजिश से? हाँ हुई थी। तो क्या कहती है शादी के बारे में? अम्मी उसने क्या कहना है, मैंने उसे रोक के रखा, बस थोड़े पैसे जमा कर लूं, फिर देखता हूँ। ओहो, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से नाजिश के साथ हो जाए तो फिर मैं इकरा की शादी के बारे में सोचूं, और तुम हो कि अपनी मन तक लड़ाते रहते हो। वो अम्मी, आप हर बात के बीच में मुझे क्यों ले आती हैं? पता नहीं कितनी उम्र हो गई है मेरी। बेटा, बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है माँ बाप के लिए, हर वक्त फिक्र लगी रहती है। जी ठीक कह रही हैं आप। मेरी दोस्त थी फायजा, उसके अम्मी अब्बू को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी, जितनी जल्दी शादी की उतनी ही जल्दी वो तलाक लेकर आ गई। ओए हाय, मगरिब के वक्त इतनी बुरी बातें मुंह से क्यों निकालती हो? हम वक्त कहीं की। अम्मी रोजे के वक्त आप भी गालियां मत निकालें, चलें इफ्तार का टाइम हो गया, दुआ पढ़ें। हाय, मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है कि जल्दी से नाजिश इस घर की बहू बनकर आ जाए, फिर मैं इकरा की शादी धूमधाम से करूंगी। या अल्लाह मेरी मुराद पूरी कर। फोन कहाँ बज रहा है? अरे घर छोड़ के गए? हेलो हसन, कौन बात कर रहा है? आप कौन? मैं नाजिश बात कर रही हूँ। अरे नाजिश, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं हसन की अम्मी बात कर रही हूँ। सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ कैसे फोन किया तुमने? आज मेरा प्लान था हसन के साथ बाहर इफ्तारी करने का। अच्छा हाँ, वो दरअसल मुझे लगता है कि रोजे की वजह से भूल गया हूँ। उसे पिक भी करने आई थी मैं, लेकिन आपके घर की गलियाँ इतनी छोटी और गंदी हैं कि मुझसे वहाँ गाड़ी नहीं चलाई जाती, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। एंड दिस इज सो एम्बैरेसिंग। वो है किधर? वो नाजिश वो तरावी पढ़ने गया हुआ है। जैसे ही घर वापस आएगा ना मैं उसे बता दूंगी और तुमसे बात भी करवा दूंगी। ओके, मेरी बात जरूर करा दीजिएगा। अरे नाजिश कभी घर आओ ना। इकरा, ये लो। भाई आज तो आपकी खैर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अम्मा। क्या हुआ? वो इफ्तारी के वक्त नाजिश का फोन आ रहा था जो तुम बार बार काट रहे थे। अम्मा मैं अपना फोन इसलिए नहीं छोड़ के गया कि आप मेरी इंक्वायरी करें। अरे वो तुम्हें लेने के लिए घर तक आई थी। मैंने उसे मना किया था, मैंने उसे कहा था कि मुझे घर वालों के साथ इफ्तारी करना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, अगर 30 रोजों में से एक रोजा उसके साथ इफ्तार कर लोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अच्छा अच्छा अम्मी बस करें। हसन मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो,
तुम्हारी शादी तो नाजिद के साथ ही होगी। हाँ तो मैंने कब मना किया है? मगर हाँ भी तो नहीं कर रहे ना, इधर उधर जाने की कोशिश में लगे रहते हो। अम्मी मैं, अरे इतने पैसे वाले लोग तो किस्मत वालों को मिलते हैं, तुम्हारे चाचा तो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेंगे। अम्मी मुझे पैसों वैसों की कोई लालच नहीं है। अच्छा बस चुप करो, पैसों का कोई लालच वालच नहीं होता, नसीब होता है नसीब। और तुम एक बात क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी बहन का भी नसीब जुड़ा हुआ है। अम्मा ऐसा बोले, इकरा सुन लेगी तो क्या कहेगी, फजूल में बहस छिड़ जाएगी। उसे छोड़ो, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, कल तुम नाजिश के साथ इफ्तार करने जा रहे हो कि नहीं? अच्छा भाई चला जाऊंगा, लाए मेरा फोन दे, मैं उसे फोन करता हूँ। कमरे में ही रखा हुआ है। साहब ये ले लो साहब, साहब सिर्फ 20 रुपए का है, साहब ये ले लो। नहीं नहीं चाहिए साहब, सुबह से बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई है, किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने कहा ना I'm sorry। सुनो ये लो। रिया साहब ये लो। नहीं नहीं चाहिए साहब, मैं बेकार नहीं हूँ, ये ले लो। ये क्या? क्या है? नजर नहीं आ रहा क्या है? आयत है। जहां तक मेरा ख्याल है ये गाड़ियों में लटकाते हैं, घर पे भी लटका सकते हैं, पर इंशाल्लाह मैं गाड़ी ले लूंगा। हाँ यार शादी के बाद तो भाई के पास गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। क्या मतलब भाई, इतने ऊंचे खानदान में तूने हाथ मारा है, कसम खुदा की तेरी जगह मैं होता ना, मैं तो घर दामाद बन जाता। खुदा के लिए यार अब मेरी अम्मा मत बन जाना। बेटा सही कहती है वो, शादी के बाद खर्चे वगैरह वगैरह। तो खर्चों के अलावा जिंदगी में बहुत कुछ होता है पता है तुम्हें, और वैसे भी क्या क्या? वैसे भी मैं नाजिश के साथ शादी नहीं करना चाहता। अगर मेरी अम्मा ने बचपन में उसके साथ मम्मी ना की होती ना, तो मैं सोचता भी नहीं इसके बारे में, कसम खा। अब तुझे क्या हो गया? अगर तेरा इरादा नहीं है तो फिर मेरी शादी करवा दे यार, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, पहली वाली को बताऊंगा भी नहीं। उसको मैं जाके बताऊंगा। यार कसम खुदा की तू मेरी कोई खुशी देख ही नहीं सकता। वैसे भी यार शाम को अफ्तारी पे उसके साथ जाना है। हाँ हाँ शौक सारे पूरे हो रहे हैं। चल अच्छा सुन, वो अफ्तारी बॉक्स। अरे हाँ यार वापसी भी लेते हैं, ये साथ ले जो। अच्छा लग रहा। अबे चल आज लगता है चला समान होगा। अबे यार मेरे से नहीं होता ये सब, मुझसे तो हो जाता है यार। नजर आ रहा है, बैठ गया? हाँ बैठ गया।
क्या हुआ? ओ भाई, तुझे नए मॉडल की मर्सिडीज मिल रही है और तू इस मेहरान को घूर रहा है? नहीं कुछ नहीं। हाँ फजूल बातें कर रहे हैं तू? मैं फजूल बातें कर रहा हूँ? सुधर जा। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पैसे जमा कर सकते हो कि हम शादी कर सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? किस बात की कोशिश? तुमने खुद बताया कि तुम्हारी सैलरी 15,000 है जो आधे महीने में खत्म हो जाती है और बाकी का आधा महीना तो उधार पे ही गुजारा करना पड़ता होगा। नाजिश, मैंने कहा ना मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी कोशिश फजूल। तुमने पापा की इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा दी। सारा बिजनेस संभालते, 5-star होटल में हमारी शादी होती, ढुलकियां होती, मेहंदी होती, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो। I'm sorry. मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम जानते हो कि पापा से मेरी वजह से खामोश, वरना मिनिस्टर्स के रिश्ते तो मेरे लिए भी। अरे क्या कर रही हो, अजान तो होने दो। मेरा कौन सा रोज है, मैं सारा दिन भूखी नहीं रह सकती। एक मिनट, कल तुम्हारी बर्थडे थी ना? हैप्पी बर्थडे। खोलो, ख्याल से एक्सपेंसिव है। थैंक यू। वैसे जी तो नहीं चाहता, लेकिन आऊंगी किसी दिन तुम्हारी तरफ। यू मोस्ट वेलकम। क्या कर रही हूँ नाजिश, लोग देख रहे हैं। अरे आ गया मेरा बच्चा। जी अम्मी। अच्छा ये तो बताओ, शादी के बारे में बात हुई कि नहीं? शादी के अलावा आपके पास और कोई बात नहीं है करने को? क्यों, किस्मत की देवी को ठोकर मार रहे हो तुम? कहाँ ठोकर मार रहा हूँ, मैं कैसे कर लूँ उससे शादी? अरे तो तुम्हारी जेब से कौन से पैसे जा रहे हैं? सारे खर्चे तुम्हारे चचा उठाएंगे। सारी जिंदगी भी अगर तुम मेहनत कर लो ना, तो इतने पैसे नहीं जमा कर पाओगे जो तुम्हारे चचा बगैर तुम्हें कहे हुए दे रहे हैं। अम्मी पैसों के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। वो मखनों के बिस्तरों पर सोती है, सारा दिन एसी में गुजारती है और रोज खाना बाहर खाती है। अरे तो तुम्हारी जेब से कौन से पैसे खर्च होंगे, उसका बाप खुद ही उसे देगा। उफ, पैसा पैसा पैसा, आपको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। अरे बेटा तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, वो तुम्हें हर जगह अपने साथ ले जाएगी, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खिलाएगी, अपने सर पर बिठाएगी, और क्या चाहिए तुझे? तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? उसे कहे बंदर पाल ले और नचाती फिरे उसे अपनी डुगडुगी पे। अच्छा ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत कर, जा तेरी तरावी का वक्त हो गया, जाके तरावी पढ़ ले।
ये ले, ये उसने मुझे दिया था, रख लें ये एक रखे जो इसके लिए। अच्छा पैसा पैसा पैसा। ये तो बहुत महंगी घड़ी लगती है, सर पर दर्द। शर्म नहीं आती तुम्हें रमजान के महीने में ऐसे हरकतें कर रहे हो? निकल यहाँ से, चल निकल तो इससे पहले पुलिस को बुलाऊं। तू क्यों इतना फैला, तेरी बहन है क्या? मेरी जो भी लगती है, निकल यहाँ से, इससे पहले तुझे उल्टे हाथ की दूं। चल चल छोड़ इसको, फिर देख लेंगे। चल आ जा, चल निकल। ये लोग मेरा सामान लेके जा रहे थे और मुझे भी साथ जाने के लिए कह रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? शमा। तुम ऐसी नहीं लगती अब, मेरा मतलब है सामान बेचने वाली नहीं लगती। हालात की मजबूरी ऐसा, मैं भी अच्छे खानदान की हूँ। अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं स्कूल में पढ़ती थी, बस पैसे कमाने के लिए मुझे सड़क पर आना पड़ा। चलो ख्याल रखना आपका और आइंदा एहतियात कर। शुक्रिया सर। तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम तरक्की नहीं करने वाले? क्यों भाई, मैं तरक्की क्यों नहीं करूंगा? जिस तरह के ख्वाब आप देख रहे हैं ना, मुझे तो आपका मुस्तकबिल किसी सिग्नल पे नजर आ रहा है। बकवास कर लो तुम। तो वाकई में तुम नाजिश को पसंद नहीं करते? यार नाजिश अच्छी है, अगर हमारे दिल और दिमाग नहीं एक साथ लगते। वो बड़े घर से है, बड़े बड़े ख्वाब हैं उसके, मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जिस शमा के तुम परवाने बने हुए हो ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा सुकून तुम्हारी जिंदगी से ऐसे छीन लेंगी जैसे तुम्हारा प्रमोशन कैयर से छीना हुआ। बस कर यार, अम्मी को भी समझाना है। यार एक बात बताऊ, जब तू अपनी अम्मा से बात करना ना, मुझे जरूर बुलाना। बड़ा अर्जा हुआ किसी को पिटते हुए नहीं देगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना। ए, चुप कर। क्या हुआ इसे? अरे कौन है इस बच्चे के साथ? एहसान। कहाँ रहता है ये? हमारी पीछे भक्ति में रहता है। जल्दी बाइक लेके आया, उसको घर छोड़ते हैं। उसको उठा, जल्दी कर। आ रही हूँ। ओहो कौन है भाई? आ रही हूँ। आप? हसन है घर पे? नहीं भाई तो नहीं है, आप अंदर आए ना। एसी तो नहीं लगवाया होगा तुम लोगों ने घर पे? इकरार बेटा कौन आ रहा है? अम्मी वो। अरे नाजिश
बेटा तुम आई हो, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। तुम तो हमें भूल ही गई, इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया, आओ चलो अंदर तो आओ ना। क्या हो मेरे बच्चों को, रंजीत को क्या हो गया, निकोल क्या हो गया तुझे, क्या हो मेरे बच्चे को, क्या हुआ ऐसे, मैं डॉक्टर को ले जाऊं। मुझे लगता है भूख की वजह से बीमार हुआ है, इसने कुछ खाया नहीं। ये आप रखें। हसन रोज घर पे देर से आता है क्या? वो नहीं, वो भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि ऑफिस में थोड़ा काम है तो लेट हो जाएंगे आज। आप दोस्त हैं? तो नाज़िश बेटा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि हसन चाहता क्या और कहां से जमा करेगा वो इतने पैसे। मैं तो उसे हर वक्त कहती रहती, लेकिन लगता है कि सारी खुददारी उसी पर आ गई है। ऐसी खुददारी का क्या फायदा जहां आप पेट भर के दो वक्त की रोटी भी ना खा सकते हो। तो बेटा तुम अपने अब्बू से बात करो ना। मैं अपने डैड से क्या बात करूं? ये बात हसन को सोचनी चाहिए कि हसन के अब्बू के इंतकाल के बाद सब कुछ मेरे डैड ने संभाला, उसको MBA कराया, लेकिन हसन अब वो शादी को डिले कर रहा है। अरे नाज़िश बेटा यकीन करो, मैं तो उसे हर वक्त समझाती रहती हूँ, मेरी बात तो उसे समझ में नहीं आती। तुम ऐसा करो ना कि तुम ही उसे समझा दो। अरे तुम जूस पियो ना, गर्म हो जाएगा। आप लोगों के घर में कांच के ग्लास नहीं होते? कितनी गिरी है। कब से खाना नहीं खाया इसने? वो आप आइए मेरे साथ, मैं इनके लिए कुछ दवाएं देता हूँ, उनको भी खिला दीजिएगा, लेकिन इससे पहले प्लीज इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? बल्कि हो सके तो एक जूस का गिलास खिला दे, ठीक है? सही हो जाओगे। आओ बेटा आप बैठो। ऋषि, ऋषि क्या हुआ तुम्हें? अम्मा क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया था, ये साहब लेकर आए हैं। आप साहब, आप तो फरिश्ता हैं हमारे लिए। अम्मा ये वही साहब है जिन्होंने मुझे उस दिन गुंडों से बचाया था, मैंने बताया था ना आपको। अल्लाह सलामत रखे बेटा, लंबी उम्र दे तुझे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए, रोजा खोल के जाइएगा ना। नहीं, वो शाहिद आएगा तो मैं चला जाऊंगा, घर पे मेरा इंतजार हो रहा होगा। वैसे एक बात बताएं, ये इतना भूखा क्यों था? बस जी, हमारी किस्मत ही ऐसी है, रमजान का महीना आता है तो कुछ आसरा होता है कि मुफ्त का खाना मिल जाएगा, मगर हमारी बदनसीबी
वो खाना भी वो लोग ले जाते हैं जिनके अपने दस्तरखान भरे होते हैं। बस आंटी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बहुत इंतजार कर लिया मैंने हसन का। अब आप उससे फाइनली पूछ लें कि वो क्या चाहता है। अरे बेटा, शादी करना चाहता है तुमसे और क्या। अच्छा, कैसे, किस तरह? अरे वो राजेश, असल में वो चाहता है कि उसकी शादी से पहले इकरा की शादी हो जाए। What? What do you mean? अब वो इसके लिए पहले जहेज बनाएगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात। ओ, अब समझी मैं। आप ये चाहती हैं कि मेरे डैड इकरा का जहेज बनाए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। वैसे भी ज़कात और खैरात से काफी जमा हो ही जाता है। आंटी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतनी आम सी शक्ल की लड़की के लिए कौन सा शहजादा तलाश कर रही हैं आप? किसी भी राह चलते के साथ बांध दे इसका हाथ। ना दे। तुम फिक्र मत करो बेटा, इसका भाई इंतजाम कर लेगा इसकी शादी का। इंतजाम कर लेगा? आप उससे फाइनली पूछ के बता दें कि वो मुझसे शादी करना चाहता भी है या नहीं, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। दवाइयां वक्त पर दे दीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हसन भाई का नंबर के पास है, उनको फोन कर लीजिएगा। आंटी, आपने शमा की शादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ, अगले महीने शादी है इसकी। अरे इसमें रोने की क्या बात है, शादी तो सबकी हो जाती है, मेरी हुई है, इनकी हो जाएगी, है ना सर? रोए ना तो क्या करे, 25,000 के बदले में इसके चचा ने 7 बच्चों के बूढ़े आदमी से इसका रिश्ता तय कर दिया। तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? हमारे यहाँ बड़ों के आगे बोलने का रिवाज नहीं है बेटा, जो बरादरी ने फैसला कर। ये लीजिए, अफ्तारी के बाद कुछ मंगवा लीजिएगा क्योंकि इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। सुनो, रुको एक मिनट। बहुत ही बदतमीज हो तुम, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह बात करते? और तुमसे शादी करेगा मेरा बेटा? अरे अगर वो इतना बर्दाश्त कर भी रहा था तो सिर्फ मेरी वजह से। वो तो कब का मुझे मना कर चुका था कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, अब वो अगर मुझे कहेगा भी ना तो मैं तुम्हारी शादी तो उसके साथ नहीं होने दूंगी। आप क्या कह रही? अरे हीरे हैं मेरे बच्चे, हीरे, मेरी पसंद के आगे अपनी खुशी को भूल गए? अंधी हो गई थी ना, मैं तो ये समझ रही थी कि तुमसे शादी करने के बाद मेरे बच्चे का मुस्तकबिल समझ जाएगा, लेकिन गलत थी मैं। कितनी गलत थी मैं? अब मैं वही करूंगी जो मेरे बच्चे चाहेंगे, मेरे बच्चों की खुशी में ही उनका मुस्तकबिल है। और अब तो जहां मेरा बेटा कहेगा ना मैं उसकी शादी वहीं करूंगी, तुमसे तो नहीं करूंगी मैं उसकी शादी। ठीक, तो फिर ये सब कुछ मैं अपने डैड को बता देती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाके बता दो अंकल को कि अब ज़कात और खैरात के लिए कोई और घर ढूंढे।
अब मेरा भाई है हमारा खर्चा उठाने के लिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके यहां से निकालूं, बदतमीज लड़की मेरे बेटे की बीवी बनेगी। हाय अम्मी, हम तो रोला खोले। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। माफ कर दो अम्मी, क्या हो गया आपको? मुझे माफ कर दो। ऊपर बैठिए। क्या हो गया आपको? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं दौलत की लालच में अंधी हो गई थी। ये भी भूल गई कि मेरे बच्चों की खुशियां मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अम्मी ऐसी बातें ना करें, क्या हो गया आपको? और मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी नाज़िश के साथ नहीं करूंगी। क्या सच अम्मी? बिल्कुल सच। इकरा, इकरा, अम्मी मैं आपको अपनी पसंद की लड़की से मिलवा दूं कल। जरूर मिलवाओ उसे, मैं बहुत खुश होंगी उससे मिलकर। हसन, जहां तुम कहोगे, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हारी शादी करूंगी। अम्मी लेकिन वो अमीर नहीं है, वो उनमें से है जिनका हक हम रमजान के महीने में भी छीन के खाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, तुम्हारी पसंद तुम्हारी मर्जी ज्यादा अहमियत रखती है। और वैसे भी बेटा, ये तुम्हारा अपना नसीब है, खुश रहो। मेरे बच्चे खुश होंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। हाँ भाई, अम्मी सिर्फ जबान की बुरी है मगर दिल की बहुत अच्छी है। बहुत बदमाश हो गई है, देखो तो कितनी शरीर हो गई है। खुश रहे मेरे बच्चे, और तुम लोगों की खुशियां देखकर मैं खुश रहूंगी। मेरे नसीब मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नसीब मुझे यहां तक ले आएगा। बस अब तुम यहां आराम से रहो, तुम्हारे भाई की तालीम की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? कोई शक?